विद्यार्थी मित्रों, ट्वेल्थ इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज यूनिट 8 में रीड 1 का हम अभ्यास करेंगे और इसका टाइटल है फॉर यूथ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके राइटर हैं जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ने विशेष रूप से युवाओं के लिए आज़ादी किसे कहा जाता है उसके बारे में समझाने का प्रयास किया है। हम आज़ादी को किस अर्थ में लेते हैं और वास्तव में आज़ादी है क्या, दोनों में क्या परिवर्तन है, दोनों में क्या अंतर है, यह बताने का इन्होंने अच्छे ढंग से प्रयास किया है। तो चलिए समझते हैं लेसन में। आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू, कृष्णमूर्ति करते हैं कि आई वुड लाइक टू डिस्कस, मुझे चर्चा करना अच्छा लगेगा विथ यू, आपके साथ, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की समस्या के बारे में चर्चा करना मुझे अच्छा लगेगा। चर्चा आप समझते हैं कि बहुत खराब लगता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि हमको डिस्कस अच्छा लगेगा। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही जटिल है, प्रॉब्लम समस्या है, नीडिंग डीप स्टडी, इसके अंदर गहन अध्ययन की जरूरत है, गहन अभ्यास की जरूरत है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ की जरूरत है, यानी हम बिना अभ्यास किए बिना समझे आज़ादी को नहीं समझ सकते हैं। वी हियर मच, हमने बहुत सा सुन रखा है, टॉक अबाउट, बहुत सी बातें सुन रखी हैं अबाउट फ्रीडम, आज़ादी के बारे में, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक आज़ादी के बारे में, एंड द फ्रीडम टू डू वांट वन वुड लाइक टू डू, और कोई व्यक्ति जो चाहे वो कर सके उसकी आज़ादी के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है। वॉल्यूम्स यानी किताबें, यहाँ पर वॉल्यूम्स यानी किताबें होंगी, हैव बीन रिटन ऑन ऑल दिस बाई स्कॉलर्स, बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा, निष्णातों के द्वारा बहुत सारी किताबें आज़ादी के बारे में लिखी जा चुकी हैं। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है वी कैन अप्रोच इट वेरी सिंपली, हम आज़ादी तक पहुँच सकते हैं बहुत साधारण रूप से, एंड डायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से, एंड परहैप्स दैट विल ब्रिंग अस टू रियल सॉल्यूशन, और शायद उसके द्वारा हमको वास्तविक इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो उपचार है, हमको उसके द्वारा मिलेगा, प्राप्त हो सकेगा। आई वंडर, यहाँ पर विचार करना, मैं विचार करता हूँ, इफ यू हैव एवर स्टॉप्ड टू ऑब्जर्व द मार्वलस ग्लो, मुझे लगता है या मैं विचार करता हूँ कि क्या आप लोगों ने स्टॉप यानी बंद कर दिया है, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण, द मार्वलस, मार्वलस का मतलब हुआ भव्य, ग्लो यानी प्रकाश, इन द वेस्ट, पश्चिम में, एज द सनसेट, जब पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, तो मुझे लगता है आपने उस सुंदरता के बारे में विचार करना बंद कर दिया है। विथ द शाई यंग मून जस्ट ओवर द ट्रीज, आपको नहीं दिखता है कि उस समय जब सूर्य अस्त होता है तब एक शर्मिला, यहाँ पर शाई यानी शर्मिला, चंद्रमा जो है वह किसी पेड़ के पीछे से उगता हुआ दिखाई देता है। ऑफन, अक्सर, एट दैट आवर, ऐसे समय में, द रिवर इज वेरी काम, यानी सूर्यास्त के समय में और चंद्र उदय के समय में जो नदी होती है वो बहुत शांत हो जाती है, उसका बहाव बहुत शांत हो जाता है। एंड देन, और तब, एवरी थिंग इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित होना, हर चीज प्रतिबिंबित होता है ऑन इट सरफेस, इसकी सतह पर, पानी की सतह पर हर चीज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, बहुत ही स्वच्छ, जैसे द ब्रिज, पुल बना है नदी के ऊपर, तो पुल का प्रतिबिंब उस पानी की सतह पर दिखाई देगा। द ट्रेन दैट गोज ओवर इट, पुल पर जाने वाली ट्रेन, चलने वाली ट्रेन भी उस पर दिखाई देगी। द टेंडर मून, टेंडर यानी नाजुक, यहाँ पर शब्द है, सहज चंद्र जो है, जो अभी उग रहा है, उसका प्रकाश या उसको वह भी दिखाई देता है। एंड प्रेजेंटली, और उस वर्तमान में, वर्तमान समय में, एज इट ग्रोज डार्क, और धीरे धीरे यह डार्क होने लगता है और अंधेरा होने लगता है। द स्टार्स, तारे भी तब दिखाई देने लगते हैं। इट इज ऑल वेरी ब्यूटीफुल, ये सभी बहुत ही सुंदर हैं। एंड टू ऑब्जर्व, और इनको निहारना, इनका निरीक्षण करना, टू वॉच, इनको देखना, टू गिव योर होल अटेंशन, उसको देखने निहारने समझने के लिए आपको पूरा अपना ध्यान देना पड़ता है। टू समथिंग ब्यूटीफुल, सुंदरता के लिए, योर माइंड मस्ट बी
फ्री ऑफ प्री ऑक्यूपेशंस, आपका जो दिमाग है वह किसी भी पूर्व धारणाओं से फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, दिमाग में कोई बात नहीं होनी चाहिए। मस्ट इट नॉट, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? इट मस्ट नॉट बी ऑक्यूपाइड विद प्रॉब्लम्स, यानी आपका जो इट यानी क्या है, दिमाग, आपका मन जो है वह भरा नहीं होना चाहिए समस्याओं से। आपके मन में पूरे दिन की समस्याएं, और शाम को बैठिए तो पूरे दिन की समस्याएं आपके मन में बैठ जाती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। विथ वरीज, चिंताएं नहीं होनी चाहिए। विथ स्पेकुलेशंस, और किसी भी तरह के संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। इट इज ओनली वेन द माइंड इज वेरी क्वाइट दैट यू कैन रियली ऑब्जर्व, ये तभी हो सकता है कि माइंड इज वेरी क्वाइट, आपका मन पूरी तरह से शांत हो, दैट यू कैन रियली ऑब्जर्व, तो आप वास्तव में उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, देख सकते हो। फॉर देन द माइंड इज सेंसिटिव, क्योंकि जब आपके मन में कोई बात नहीं होगी, आपका मन एकदम स्वच्छ होगा, तो आपका मन जो है वो कैसा होगा, सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, और एक असामान्य सुंदरता को निहारने या जानने देखने के लिए। एंड परहैप्स हियर इज क्ल्यू टू आवर प्रॉब्लम फ्रीडम, और शायद यहीं पर क्ल्यू यानी कड़ी, एक कड़ी है टू आवर प्रॉब्लम्स, हमारे समस्या की, और फ्रीडम यानी आजादी की। नाउ व्हाट डज इट मीन टू बी फ्री, अब आगे लेखक कहता है कि अब हमें बताइए कि आजादी का मतलब क्या हुआ, आजादी किसे कहेंगे। इज फ्रीडम एज मैटर ऑफ डूइंग व्हाट हैपेंस टू सूट यू, क्या आजादी वो है कि जो तुम्हारी मर्जी में आए वो तुम करो, उसे आजादी कहोगे। गोइंग वेयर यू लाइक, तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम वहां चले जाओ, उसे आजादी कहेंगे। थिंकिंग व्हाट यू विल, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो विचार करो, सोचो, क्या वो आजादी है। दिस यू डू एनी हाउ, ये तो तुम किसी भी तरह से कर लोगे, तुम्हारी इच्छा होगी जहां चले जाओगे, तुम्हारा मन होगा तुम उसको विचारोगे, या तुम्हें अच्छा लगेगा तुम करोगे ही, वो तो कोई भी चीज से कर लोगे तुम, आजादी होगी ना हो। मेनली, केवल, मात्र, टू हैव इंडिपेंडेंस, यहां देखो स्वतंत्रता, केवल स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, डज दैट मीन फ्रीडम, क्या उसे हम आजादी कहेंगे, यानी हमको स्वतंत्रता मिल गई तो क्या हम आजाद हैं। मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर इंडिपेंडेंट, बहुत से लोग दुनिया के अंदर स्वतंत्र हैं, बट वेरी फ्यू आर फ्री, लेकिन उनमें से बहुत कम हैं कि जो आजाद हैं। फ्रीडम इम्प्लाइजेस ग्रेट इंटेलिजेंस, फ्रीडम जो है, आजादी को आवश्यकता पड़ता है, या आजादी के लिए आवश्यक है होशियार होना, चतुर होना, बुद्धिमान होना। डज इट नॉट, ऐसा नहीं है क्या? टू बी फ्री इज टू बी इंटेलिजेंट, यानी कि आजाद होना जो है वो, या आजाद होने के लिए होशियार या चतुर होना, बुद्धिमान होना आवश्यक है। बट इंटेलिजेंस डज नॉट कम इनटू बीइंग बाय जस्ट विशिंग फॉर बी फ्री, और हमें आजाद हैं, हम बुद्धिमान हैं तो हम आजाद हो गए, ऐसा नहीं है। तो लेखक क्या कहना चाह रहा है कि आजादी होने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है, और बुद्धिमान हो तो आजादी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट कम्स इनटू बीइंग ओनली व्हेन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड योर होल एनवायरनमेंट, और ये चीजें आजादी के बारे में आपको आभास होना शुरू हो जाता है तब, कि जब आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, द सोशल, वो आपका जो समाज है, रिलीजियस, आपका सामाजिक वातावरण जो है, पेरेंटल, आपके माता पिता से प्रेरित जो है, एंड ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंसेस, और आपकी परंपरागत जो आप पे प्रभाव पड़े हैं वो, दैट आर कंटिन्यूली क्लोजिंग इन ऑन यू, और ये हमेशा तुम पर एक प्रतिबंध के रूप में लगे रहते हैं, इनसे आप बंधे रहते हो। बट टू अंडरस्टैंड, इनको समझने के लिए, द वेरियस इन्फ्लुएंसेस, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लुएंसेस का मतलब हुआ प्रभाव, अलग अलग प्रकार के प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस ऑफ योर पेरेंट्स, जैसे कि आपके माता पिता का प्रभाव आपके ऊपर, ऑफ योर गवर्नमेंट, आपके गवर्नमेंट का प्रभाव, और सोसाइटी, आपके समाज का प्रभाव, ऑफ द कल्चर, आपके संस्कृति, टू विच यू बिलोंग, आप जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं उस संस्कृति का प्रभाव, ऑफ योर बिलीव्स, आपकी मान्यताओं का प्रभाव,
योर गॉड्स, आपके जो ईश्वर हैं, इष्ट देव हैं, उनका प्रभाव, एंड सुपरस्टिशंस और अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, उसका प्रभाव, ऑफ द ट्रेडिशन टू विच यू कन्फर्म अनथिंकली, और ऐसे ट्रेडिशन, ऐसी परंपरा जिसमें आप बिना सोचे विचारे जिन पर आप विश्वास कर लेते हो, ऐसी परंपराओं का प्रभाव, टू अंडरस्टैंड इनको समझने के लिए, ऑल दीज, इन सब को समझने के लिए, एंड बिकम फ्री फ्रॉम देम रिक्वायर्स डीप इंसाइट, इन सब को समझने के लिए, आजाद होने के लिए हमें गहरे ज्ञान की जरूरत पड़ती है, या गहराई पूर्वक ज्ञान की हमको आवश्यकता पड़ती है. बट यू जनरली गिव इन टू देम बिकॉज इनवर्डली यू आर फ्रेटनिंग, लेकिन आप आसानी से गिव इन यानी स्वीकार करना, आप आसानी से स्वीकार कर लेते हो इनको, इन परंपराओं को, क्योंकि इनवर्डली यानी आंतरिक रूप से यू आर फ्रेटनेड, आप आंतरिक रूप से डरे होते हो, इसलिए आप इनको आसानी से स्वीकार कर लेते हो. यू आर अफ्राइड ऑफ नॉट हैविंग गुड पोजिशन इन लाइफ, आपको डर रहता है कि आपको जीवन में नया अच्छा पोजिशन नहीं मिले तो क्या होगा. यू आर अफ्राइड ऑफ व्हाट यू योर प्रिस्ट विल से, आपके धर्म गुरु आपको क्या कहेंगे, आपको उसका भी डर लगता है. यू आर अफ्राइड ऑफ नॉट फॉलोइंग ट्रेडिशन, अगर आप ट्रेडिशन परंपराओं का पालन नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए आपको डर लगा रहता है, क्यों, कि ऑफ नॉट डूइंग द राइट थिंग, अच्छा नहीं होगा आपके साथ, कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा डर आपको लगा रहता है. बट फ्रीडम इज रियली ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच देयर इज नो फियर, लेकिन हम आज़ादी की बात करें तो यह किसके संबंधित बातें हैं, यह मन से संबंधित बातें हैं. विच देयर इज नो फियर, जहाँ पर किसी प्रकार का डर नहीं होता है, और कंपल्सन, कोई अनिवार्यता, कोई फर्जी, कोई कंपल्सरीपन नहीं रहता है. नो अर्ज, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई इसके अंदर वाद विवाद नहीं रहता है. टू बी सिक्योर, अपने को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं रहती है. डोंट मस्ट ऑफ यू वांट टू बी सेफ, क्या आपको सुरक्षित रहना जो है आप नहीं चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें. डोंट वी वांट टू बी टोल्ड व्हाट मार्वेलस पीपल वी आर, क्या हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम एक भव्य या अद्भुत लोगों में हमारी गिनती हो. हाउ लवली वी लुक, हम देखने में अच्छे न लगें या कैसे लगते हैं. और व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस वी हैव, हमारे पास एक अतिरिक्त ज्ञान या असामान्य ज्ञान है या बुद्धिमानी है कि नहीं, तो ये चीज हम अपने मन में धारणा रखते हैं. अदरवाइज, नहीं तो, वी वुड नॉट पुट लेटर्स आफ्टर आवर नेम्स, अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपने नाम के बाद कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल, लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते. जैसे मिस्टर सो एंड सो IAS, मिस्टर सो एंड सो IPS, तो ये जो हम उपनाम लगाते हैं आगे अपने सत्ता का या अपने जो है काबिलियत का, तो हम नहीं लगाते. लेकिन हमारे मन में ऐसी इच्छा होती है कि नहीं, लोग हमको कुछ विशेष जाने, अलग से हमको जाने, इसलिए हम अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, कुछ लेटर्स का उपयोग करते हैं. और ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग गिव्स अस सेल्फ एश्योरेंस, और ये सब चीज़ें अगर हम अपने नाम के पीछे किसी शब्दों का उपयोग करते हैं तो इनसे क्या होता है, हमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. जैसे मिस्टर सो एंड सो LLB, तो ऐसा हमने लिख दिया तो हमें लगता है कि नहीं, अब हमारा आत्मविश्वास से थोड़ा बढ़ता है. ए सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, लगता है कि हम लोगों से थोड़ा अलग हो गए. वी ऑल वॉन्ट टू बी फेमस पीपल, हम सभी लोग प्रख्यात होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं. एंड द मोमेंट वी वॉन्ट टू बी समथिंग, और ऐसा हम चाहते हैं कि हमें कुछ विशेष प्राप्त हो, तो वी आर नो लॉन्गर फ्री, तो हम आज़ाद कहाँ हैं. अगर इन चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों से हम लगे हुए हैं, तो हम आज़ाद नहीं हैं. प्लीज सी, कृपा करके देखें, समझें दिस, फॉर इट इज द रियल क्ल्यू टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यह एक वास्तविक कड़ी है टू अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की समस्या को समझने के लिए यह एक वास्तविक कड़ी है, उसे समझें. विदर इन दिस वर्ल्ड द पोलिटिकल पॉलिटिशियंस, इस विश्व के अंदर जबकि हम देख रहे हैं जहाँ पर राजनेता लोग हैं, पावर है, जहाँ पर शक्ति है, पोजिशन सत्ता है, अथॉरिटी अधिकार है, और इन द सो कॉल्ड एंड इन द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और हमारा जो तथाकथित
जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक दुनिया है, वेयर यू एस्पायर, जहां आप एस्पायर यानी इच्छा रखना, जहां आप इच्छा करते हैं टू बी वर्च्यूस, सदगुणी होने की इच्छा करते हैं कि मैं सदगुणी हूं या मेरा सम्मान हो, नोबेल उम्दा होने की आप इच्छा करते हैं, सेंटली आप भी संत के गुण होने की आप इच्छा करते हैं, द मोमेंट यू हैव नॉट यू द मोमेंट यू वॉन्ट टू बी समबडी यू आर नो लॉन्गर फ्री, आप भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनने की इच्छा रखते हैं, तो आप लंबे समय तक वहां पर फ्री नहीं है, आजाद नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। बट द मैन और वुमेन, लेकिन वह पुरुष अथवा वह स्त्री, हु सीज, जो समझता है द अब्सर्डिटी, अब्सर्डिटी यानी मूर्खता ऑफ ऑल दिस, इन चीजों को मूर्खता गिनता है, इनको उनको कुछ गिनता ही नहीं, ये सब कुछ नहीं है, थिंग्स एंड हुज हार्ट इज देयरफॉर इनोसेंस, और जिसकी वजह से उनका जो मन है, हृदय है, वो इनोसेंट यानी निर्दोष है, एंड देयरफॉर नॉट मूव्ड बाय डिजायर, वह इच्छाओं के अधीन नहीं हो पाते हैं या वो इच्छाओं में नहीं बच जाते हैं, टू बी समबडी सच ए पर्सन इज फ्री, तो समझिए ऐसा व्यक्ति फ्री है, यानी वो जो इन बातों में नहीं आ रहा है, इन बातों से दूर है, और वह जो है इनको मूर्खतापूर्ण चीजों को समझता है, बात समझता है, और वो इच्छाओं के बस में नहीं है, वह व्यक्ति समझिए आजाद है, फ्री है। इफ यू अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी ऑफ इट, अगर आप इसके सादगी को समझ जाएं, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी ऑफ डेप्थ, तो आप भी जो है समझ सकते हैं इसके असामान्य सुंदरता को, असामान्य गहराई को आप समझ सकते हैं। आफ्टर ऑल, और कुल मिलाकर के अंत में एग्जामिनेशन, जो परीक्षाएं ली जाती हैं, आर फॉर दैट पर्पस, उनका हेतु क्या है, उनका हेतु है टू गिव यू ए पोजिशन, आपको कोई पोजिशन दिलाना, टू मेक यू समबडी, आपको कोई विशेष व्यक्ति बनाना, उनकी उनका जो है लक्ष्य होता है, टाइटल्स जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो एडवोकेट है, ये सब दिलाना, पोजिशन एंड नॉलेज इनकरेज, और जो ज्ञान होता है वह इनकरेज, उत्साहित करता है यू टू बी समथिंग, आपको कुछ बनने के लिए उत्साहित करता है। हैव यू क्या आप हैव यू नॉट हैव यू नॉट अप्रिशिएट हैव यू नॉट नोटिस्ड, क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया है योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, एंड टीचर्स, अपने टीचर्स को टेल यू, कहते हुए दैट यू मस्ट अमाउंट टू समथिंग, आपको अमाउंट यानी बनना है, आपको बनना है टू समथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ बनना है, ऐसा कहते हुए आपने नहीं सुना है, ध्यान नहीं दिया है, दैट मस्ट बी सक्सेसफुल लाइक योर अंकल और योर ग्रैंडफादर, आपके दादा की तरह आपको बनना है, आपके अंकल की तरह आपको बनना है, ऐसा कहते हुए आपने नहीं सुना है, नहीं इसको ध्यान दिया है, और यू ट्राई टू इमिटेट, इमिटेट यानी नकल करना, आप जो है नकल करने का प्रयास करते हैं द एग्जाम्पल, उदाहरण का, ऑफ सम हीरोज, कुछ हीरो हैं उनका उदाहरण आप या उनकी तरह बनने का आप नकल करते हैं, टू बी लाइक द मास्टर, अपने मालिक का नकल करना, संत संतों का नकल करना, सो यू आर नेवर फ्री, अगर आप किसी की नकल करते हैं तो आप कभी फ्री, कभी आजाद हो ही नहीं सकते हैं। वेदर यू फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ मास्टर्स, अगर आप अपने मालिकों का, मालिक का जो है उदाहरण आप उसका जो है नकल करते हैं, इस संत, आप संत का नकल करते हैं, अपने टीचर का नकल करते हैं, अपने रिलेटिव को नकल करते हैं, और स्टिक या आप जुड़े हुए हैं टू ए पार्टिकुलर ट्रेडिशन, किसी पार्टिकुलर यानी किसी कहे या किसी किसी विशेष ट्रेडिशन यानी परंपरा से आप जुड़े हुए हैं, तो इट ऑल एम्प्लाइज ए डिमांड ऑन योर पार्ट टू समथिंग, तो आप समझो कि ये चीज जो है आप किसी न किसी की आप या कुछ 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 ना कुछ बनने की आप इच्छा रख रहे हैं, समथिंग होने की इच्छा रख रहे हैं, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, एंड इट इज़ ओनली व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड, और ये तभी होगा जब आप समझ पाएंगे दिस फैक्ट, इस हकीकत को, दैट देयर इज फ्रीडम, कि यहाँ पर फ्रीडम यानी आज़ादी है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, अब जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उस पढ़ाई का कार्य, फंक्शन यानी कार्य क्या है, देन इज टू हेल्प यू फ्रॉम चाइल्डहुड, आपके बचपन से आपको जो पढ़ाया जाता है उसका मुख्य कार्य है नोट टू इमिटेट एनीबडी, किसी की नकल ना करें,
आप खुद जो हैं वो कुछ बनने का प्रयास करें, बट टू बी योर सेल्फ ऑल द टाइम, आप अपने आप या अपने आप में कुछ अलग बनने का प्रयास करें। एंड दिस इज अ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, और ये हमारे लिए करना बहुत ही कठिन होता है। वेदर यू आर अगली और ब्यूटीफुल, आप खराब हैं आप सुंदर हैं, अगली यानी खराब, आप खराब हैं आप सुंदर हैं। वेदर यू आर envious और jealous, आप जो है किसी से किसी को अनदेखा करते हैं या किसी से आप ईर्ष्या करते हैं। ऑलवेज टू बी वाट यू आर, आप कैसे भी हैं बट अंडरस्टैंड इट, लेकिन आप उसको समझें कि आप कैसे हैं, अपने आप को समझें। टू बी योर सेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, आपके लिए बहुत कठिन है। आप अच्छे हैं बुरे हैं उसको समझना आपको आपके लिए बहुत कठिन है। टू बी योर सेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू थिंक दैट यू आर इग्नोबल, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आप इग्नोबल, आप उम्दा नहीं, आप अच्छे नहीं हैं, आप हल्के प्रकृति के हैं, एंड दैट इफ यू कुड ओनली चेंज, और वहां आप यदि परिवर्तन लाना चाहते होंगे अपने अंदर, वाट यू आर इन टू समथिंग नोबल, आप उसमें से अच्छा बनने का प्रयास करते होंगे, इट वुड बी मार्वेलस, तो ये अद्भुत होगा, बट दैट नेवर हैपेंस, ये कभी होगा नहीं। कोई भी बुरा व्यक्ति अपने आप को अच्छा बना ले तो सबसे अच्छी बात है, सबसे अद्भुत बात है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। वेयर एज इफ यू लुक एट वाट यू एक्चुअली, लेकिन इसके बावजूद कि आप देखें कि आप वास्तव में क्या हैं, आर एंड अंडरस्टैंड इट, और अपने आप को समझें, देन इन दैट वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो इस समझ शक्ति से देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। यानी आप अगर खाली अपने आप को समझने का प्रयास करें तो आप में बदलाव आ सकता है। सो फ्रीडम लाइज, इसलिए आजादी जो है यह आधारित होती है, निर्भर होती है, नॉट इन ट्राइंग टू बिकम समथिंग डिफरेंट, कोई अलग चीज बनने में यह आधारित नहीं होती है, नॉर इन डूइंग व्हाट एवर यू हैपन टू फील लाइक डूइंग, और इस पर भी जो है यह निर्भर नहीं होती है कि व्हाट एवर यू हैपन कि आपके साथ या आप क्या कैसा करेंगे, टू फील लाइक डूइंग, कुछ भी काम करने से आपको कैसा एहसास होता है, नॉर इन फॉलोइंग द अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिशन, और परंपराओं को पालन करने पे, परंपराओं का अनुकरण करने में भी यह आधारित नहीं होती है, ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के, ऑफ योर टीचर, आपके टीचर के, बट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, आप क्षण 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 में आप क्या हैं, अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं, किसी का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, तब आप आजादी को आसानी से समझ पाएंगे। यू सी, आप समझिए मेरी बातों को, यू आर नॉट एजुकेटेड फॉर दिस, आपको किसी की नकल करने के लिए आपको एजुकेट नहीं किया गया, पढ़ाया नहीं गया है। योर एजुकेशन इनकरेजिस, आपका जो एजुकेशन है वो इनकरेज करता है, आपको उत्साहित करता है, यू टू बिकम समथिंग और अदर, आपको कुछ विशेष बनने के लिए वो प्रेरित करता है, बट दैट इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये जो चीज है ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, तुमको समझने जो है आपको समझने के लिए नहीं है। योर सेल्फ, योर सेल्फ अपने आप, स्व इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग, क्योंकि ये बहुत ही कठिन चीज है, अपने आप को समझना या अपने आप के बारे में जानना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। इट इज नॉट मेरली, यह मात्र द एंटिटी ऑफ दैट गोज टू स्कूल, या स्कूल जाने से या स्कूल जाने मात्र से ये चीज नहीं हो जाता है, दैट क्वेरल्स, दैट प्लेज गेम्स, झगड़ना, गेम खेलना, दैट इज ए फ्राइट, और डर या भयभीत होना, बट इट इज ऑल्सो समथिंग हिडन, कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं। नॉट ओबिशियस, और जो विशिष्ट या बहुत अत्यधिक विशिष्ट नहीं होती हैं। इट इज मेड अप नॉट ओनली ऑफ ऑल द थॉट्स दैट यू थिंक, और ये बनी होती हैं केवल उनसे नहीं कि जो तुम्हारे मन में विचार हैं उनसे, बट ऑल्सो ऑफ ऑल थिंग्स दैट यू हैव बीन पुट इन टू योर माइंड, उन चीजों से भी, उन विचारों से भी हैं जो विचार तुम्हारे माइंड में हैं, by other people, दूसरे के द्वारा तुम्हारे दिमाग में डाले गए हैं, जैसे by books, किताबों के द्वारा तुम्हारे दिमाग में कोई बात डाली गई है, by the newspaper, newspaper के द्वारा, by your leader, तुम्हारे नेताओं के द्वारा, and it is possible to understand all
that you when you don't want to be somebody, और ये सारी चीजें समझ में तभी आएंगी कि जब आप कुछ somebody यानी कुछ बनने का प्रयास है, किसी की नकल से कुछ बनने का प्रयास नहीं करेंगे तब. When you don't imitate, जब आप नकल नहीं करेंगे. When you don't follow, जब आप अनुकरण नहीं करेंगे. Which means really when you are in revolt against the whole tradition, जब आप ट्रेडिशन परंपराओं के सामने आप जो है क्रांति करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, उसका विरोध करेंगे, ऑफ ट्राइंग टू बिकम समथिंग, कुछ बनने के लिए, दैट इज द ओनली ट्रू रिवोल्यूशन. तो आपकी वही क्रांति सच्ची क्रांति कही जाएगी, लीडिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रीडम, और वह आपको असामान्य आजादी की तरफ ले जाएगी. टू कल्टिवेट, और यहाँ पर एक शब्द है पोषण करना, टू कल्टिवेट दिस फ्रीडम, इस आजादी को प्राप्त करने के लिए इज द रियल फंक्शन ऑफ एजुकेशन. जो फंक्शन है, कार्य है, ये वास्तविक कार्य है पढ़ाई शिक्षा का, कि वो आपको आजादी दिलाए या आपको आजादी के बारे में समझाए. योर पेरेंट्स, योर टीचर्स एंड योर ओन डिजायर्स, आपके पैर माता पिता, आपके शिक्षक, योर ओन डिजायर, आपकी खुद की इच्छाएं, वांट यू टू बी आइडेंटिफाइड विथ समथिंग, आपको कुछ अलग ढंग से या विशेष ढंग से आपको पहचान किया जाए, पहचाना जाए, वो चीज आपको बताती हैं. और अदर इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, या सुखी रहने के लिए, खुशी रहने के लिए, या सिक्योर यानी सुरक्षित रहने के लिए. बट टू बी इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट होना, मस्ट यू नॉट ब्रेक थ्रू ऑल द इन्फ्लुएंसेस, आपको जो है इंटेलिजेंट बुद्धिमान होने के लिए, मस्ट नॉट ब्रेक थ्रू ऑल द इन्फ्लुएंसेस, सभी प्रभावों से बाहर नहीं आना है. दैट इंस्लेव एंड क्रश यू, कि जिसके माध्यम से आपको इंस्लेव गुलामी की तरफ घूमना पड़े, या आपको उसके नीचे कुचल दिया जाए. तो क्या आप इसके लिए इन सबसे बाहर आएंगे, या इसी बुद्धिमानी के हिसाब से बाहर आएंगे. द होप ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, नए विश्व की आशा, इज इन दोज ऑफ यू, नए विश्व की आशा जो है वह आप लोगों में है. हु बिगिन टू सी, जो शुरू करें देखना, समझना, व्हाट इज फॉल्स, जो गलत है उसको समझना आप शुरू करें. एंड रिवोल्ट, और उसका विरोध करें, अगेंस्ट इट, और उसके सामने विरोध करें, अपना प्रतिरोध बताएं. नॉट जस्ट वर्बली यानी मौखिक रूप से नहीं, बट एक्चुअली हकीकत के रूप से उसका आप विरोध करें, अपना प्रतिरोध दर्ज कराएं. एंड दैट इज वाई यू शुड सीक द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन. और यही चीज है कि जब आप सही एजुकेशन या सही प्रकार का एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि आप जो है कोई भी गलत चीज के सामने अपना प्रतिरोध या विरोध बताएं या दर्शाएं. फॉर इट इज ओनली वेन यू ग्रो इन फ्रीडम, और यही किसके लिए है ग्रो, यानी आप बड़े हो रहे हैं इन फ्रीडम, आजादी में, दैट यू कैन क्रिएट न्यू वर्ल्ड, आप एक नए विश्व का निर्माण करें. नॉट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, जो किसी परंपराओं पर आधारित ना हो, और शेप्ड अकॉर्डिंग टू द आइडियोसिनेक्रेसी ऑफ सम फिलोसोफर, जो किसी तत्वज्ञानी के विचारों पर जो प्रभावित ना हो, या जो किसी तत्वज्ञानी के आधार पर जो उस या उसके व्यक्ति के वर्तन या प्रकृति पर आधारित ना हो. बट देयर कैन बी नो फ्रीडम एज लॉन्ग एज यू आर मेरिली ट्राइंग टू बिकम और इमिटेट ए नोवेल एग्जाम्पल. लेकिन आप समझिए कि देयर कैन नो बी फ्रीडम, आजादी नहीं हो सकती है, नहीं मिल सकती है, या आप आजाद नहीं हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर मेरिली, आप केवल मात्र ट्राइंग टू बिकम बनना चाहते हो, और इमिटेट या नकल करना चाहते हो, ए नोबल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल या उदाहरण, या उम्दे उदाहरण के लिए आप नकल करते हो, उसको बनना चाहते हो, वो आजादी नहीं. यानी आपको आजाद रहने के लिए स्वतंत्र रूप से खुद से कुछ नया बनना होगा, या कुछ नया परिवर्तन लाना होगा, तब आप आजाद हैं. इस तरह से लेखक ने इस पाठ के अंदर आजादी और स्वतंत्रता, स्वतंत्र सबको ही है, लेकिन आजाद वही है जो स्वतंत्रता के साथ क्या है, बुद्धिमान है, और अपने दिमाग से, अपने मन से कुछ बनने का प्रयास करता है. तो इस तरह से आपने फॉर द यूथ में आपने देखा कि युवाओं के लिए, या युवाओं के लिए जो संदेश है जो लेखक ने लिखा है,
वो कितना सार्थक है आपको इसको पढ़ने से पता चलता है। थैंक यू।